Holy Grail, Dr. Jones. Oh, rats. This is it. Look. The shield is the second marker. We found it. In his search for the Holy Grail. फिल्म की शुरुआत 1912 जोन्स के बचपन की मेमोरी से होती है, जब वो एक समय बॉय स्काउट के साथ हल्की फुल्की खोज में निकला था, जहां तब उसे एक गुफा में कुछ चोर नजर आए थे जिन्होंने कोरोनाडो के बेशकीमती प्राचीन आर्टिफैक्ट क्रूसिफिक्स को खोज निकाला। पर उनका इरादा उसे इलीगल मार्केट में बेचकर पैसे कमाने का समझ आने पर जोन्स उसे म्यूजियम लौटाने के इरादे से उसे गायब करके घोड़े पर सवार भाग पड़ता है। पर वो चोर इतने आसानी से भी इतनी बेशकीमती आर्टिफैक्ट खोने से रहे, इसलिए उसका अंत तक पीछा करते हैं। अब जोन्स के पास और कोई चारा नहीं, इसलिए चलती सर्कस ट्रेन में चढ़ जाता है और उनसे बचने के चक्कर में पहले तो सांपों के ढेर में गिर जाता है, फिर लायन के बीच फंस जाता है। जंगल के राजा को डराने की कोशिश में वो करीब रखे चाबुक का इस्तेमाल करने की कोशिश में खुद को चिन पर चोट कर बैठता है। पर कुछ और खतरनाक मुठभेड़ के बाद जोन्स अंत में निकल भागता है और शेरिफ के आते ही वो क्रूसिफिक्स को कानून के हवाले कर देता है। पर उन चोरों का लीडर एक वेल्दी बिजनेसमैन ने कानून को भी खरीद लिया था, इसलिए अंत में क्रूसिफिक्स उसके हाथ लग जाता है और फिर मूवी 1938 के समय में मुड़ जाती है, जब जोन्स अब भी उस गोल्डन क्रूसिफिक्स को नहीं भूला, इसलिए फिर से उसके मालिक से गायब करने के लिए उनके भयंकर झटके खाते जहाज पर चढ़ जाता है। और यहाँ भी उनके गुंडों से सामना करने के बाद उनसे क्रूसिफिक्स झपटकर अब गुंडों को सबक सिखाने लगते हैं और ताकतवर लहर के कारण भयंकर विस्फोट में जहाज के धज्जियां उड़ने से पहले कूद जाते हैं और फिर से जोन्स के यूनिवर्सिटी की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ अपनी क्लास खत्म होते ही जोन्स गोल्डन क्रूसिफिक्स को अपने जिगरी दोस्त मार्कस के हवाले कर देते हैं उसे म्यूजियम के हवाले करने के लिए। पर अपने ऑफिस लौटने पर फैंस का झुंड उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। किसी तरह सेक्रेटरी से अपना फोन मैसेज और वेनिस से डिलीवर्ड पैकेज रिसीव करने के बाद वो थोड़ी शांति की खोज में चोरी से ऑफिस से स्नीक आउट कर जाते हैं, पर ब्लैक सूट में कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं और शांति से उन्हें अपने साथ चलने की विनती करते हैं, जिनकी आज्ञा मानने पर आगे उनकी मुलाकात वॉल्टर से होती है, जिनकी कंपनी ने टर्की के रीजन से 12वीं शताब्दी में काफ टैबलेट खुदाई करते दौरान खोज निकाला। टैबलेट को गौर से पढ़ने के बाद जोन्स एक बड़ी खोज करते हैं कि इस पर ओरिजिनल होली ग्रेल यानी कि वो कप जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून टपका था ऐसा माना जाता है और जिससे पानी पीने पर इंसान को अमरता मिल सकती है के नक्शे का क्लू छिपा है। जब वॉल्टर ने इस टैबलेट के दूसरे हिस्से के खोज में अपने प्रोजेक्ट लीडर को लगाया, तब उन्हें पता चला कि इसका दूसरा हिस्सा द लास्ट ऑफ थ्री नाइट्स के पास था, जिन्होंने होली ग्रेल को वेनिस में कहीं खोज निकाला था, पर तीन नाइट्स में से दो की मौत हो गई, वहीं तीसरा शायद अब भी होली ग्रेल की रखवाली कर रहा है। पर उनकी परेशानी यह है कि उनका प्रोजेक्ट लीडर अचानक में ही कहीं गायब हो गया और वो और कोई नहीं बल्कि उसके पिता हेनरी ही थे। जोन्स को अब समझ आता है कि उसके पिता अब तक होली ग्रेल की खोज में ही लगे थे। उनके घर पहुंचने पर उनके अपार्टमेंट में भी तोड़फोड़ की होती है, मानो कोई किसी चीज के तलाश में था। फिर तभी जोन्स को पैकेज का याद आता है जिसे खोलने पर वो उसके पिता की जर्नल निकलती है जिसमें उन्होंने अपने होली ग्रेल की सारी रिसर्च रिकॉर्ड की। अब कुछ गड़बड़ होने का समझ आने पर वो मार्कस के साथ अपने पिता के खोज में वेनिस के लिए निकल पड़ते हैं, जहां उनकी मुलाकात लैंड करते ही उसके पिता के असिस्टेंट एल्सा से होती है, जो उनसे उनके पिता का छोड़ा एक नोट देती है जिस पर सिर्फ रोमन न्यूमरल्स लिखे होते हैं जिसका वो कभी मतलब नहीं निकाल पाई। तीनों सबसे पहले वेनिस लाइब्रेरी पहुंचते हैं जो रोमन टाइम्स में कभी चर्च हुआ करता था, जहां हेनरी आखिरी बार देखे गए थे। जोन्स की लाइब्रेरी के रंगीन विंडो पर नजर पड़ने पर उन्हें याद आता है कि सेम एंट्री उसके पिता के जर्नल में भी है, यानी कि उसके पिता नाइट के मकबरे के तलाश में थे, जिससे वो सबसे बड़ा क्लू सुलझा लेते हैं कि ये चर्च ही उस थ्री नाइट्स में से एक का कब्र है। जोन्स को तुरंत चमकता है कि उस नोट में लिखा रोमन न्यूमरल्स, वो उनमें से दो नंबर्स चर्च के मीनारों पर खोज निकालते हैं और आखिरी उन्हें ऊंचाई से देखने पर नजर आता है, जिसे खोदने पर वो फाइनली नाइट का मकबरा खोज निकालते हैं। वो डरावना तहखाना हड्डियां, हजारों साल पुराना पेगन सिंबल्स और आर्क ऑफ कोवेनेंट की कार्विंग्स भी डिस्कवर करते हैं, जिसे जोन्स ने पिछले पार्ट में डिस्कवर किया था। और यदि आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। पर यहां दोनों मकबरे के खोज में कुछ कल्ट के लोग मार्कस को नॉकआउट करके वो भी तहखाने में प्रवेश कर जाते हैं। दोनों के डेड एंड पहुंचने पर उन्हें एक एक्स मार्क नजर आता है, उस दीवार को गिराने के बाद उसके पीछे उन्हें कंकाल और पानी की सतह
ऑयल से तैर रही होती है। सबसे घिनौना कि तेखाना चूहों से रेंग रहा होता है, इसलिए फूक फूक कर अपना कदम आगे बढ़ाते हुए डरावने टनल से होते हुए अंत में मेन चेम्बर और नाइट का मकबरा खोज निकालते हैं। मकबरे को खोलने पर वो टैबलेट का दूसरा हिस्सा नाइट के शील्ड पर एंग्रेव खोज निकालते हैं। जोन्स बिना समय गवाए तुरंत उसे रबिंग पेपर पर उतारने लगता है। पर कल्ट के लोग उन्हें ठिकाने लगाने के लिए पानी में आग लगा देते हैं, इससे पहले कि दोनों भी इसमें भस्म हो जाए। वो सही समय पर कूदी मारकर मकबरे के हिस्से से खुद को कवर कर लेते हैं और अब इससे पहले कि वो चूहों का शिकार बने दोनों दूसरे रास्ता का खोज करके निकल आते हैं। पर अब कल्ट के लोग उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। लंबे संघर्ष के बाद कल्ट के कई मेंबर्स को चकमा देने के बाद जोन्स उनके लीडर को घेर लेता है, जो रिवील करता है कि उनका ग्रुप उन सोल्जर्स के डिसेंडेंट्स की सेना है जिन्होंने होली ग्रेल के रहस्य की रक्षा करने का कसम खाई। जोन्स को उससे उसके पिता का भी पता चलता है जिन्हें जर्मनी के कैसल में बंदी बनाया गया है और अंत में दोनों समझौता कर लेते हैं। जोन्स मार्कस को मैप देकर उन्हें होली ग्रेल की खोज में रवाना कर देते हैं। वहीं ये दोनों हेनरी की खोज में जर्मनी के लिए निकल पड़ते हैं। अब गार्ड को ढेर करके प्रवेश करने के बाद उन्हें पता चलता है कि नाजी भी होली ग्रेल की तलाश में है जो हिटलर को अमर बनाना चाहते हैं। पर जोन्स अपने पिता को खोज निकालता है और दोनों की खुशी देखते बनती है। पर तब तक दोनों पकड़े जाते हैं और इवेंचुअली नाजी के हाथ हेनरी का जर्नल लग जाता है और वो यही है जो कब से हेनरी के जर्नल के पीछे थे, क्योंकि सिर्फ उस जर्नल में होली ग्रेल को प्रोटेक्ट करने वाले ट्रैप्स का क्लू छिपा है। वहीं उन्हें एक और धक्का लगता है कि अमर बनने के लालच में वॉल्टर और एल्सा भी नाजी के साथ मिले हुए हैं, पर उनके जाने पर दोनों किसी तरह खुद को कैद से छुड़ाकर तुरंत भाग निकलते हैं। पर अब उन्हें खतरा मोल लेकर जर्नल हासिल करने के लिए नाजी हेडक्वार्टर जाना पड़ता है, जिसे वो भेज बदलने के बाद एल्सा को दबोच कर उससे हासिल कर लेते हैं, जिसके बाद दोनों सीधे जॉर्डन के लिए निकल भागते हैं। पर सलाह से उन्हें पता चलता है कि वॉल्टर के लोगों ने मैप के लिए मार्कस को अगवा कर लिया। उनकी फ्लीट को ट्रैक डाउन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि नाजी अपनी सेना के साथ होली ग्रेल के खोज में निकले हैं। पर भाग्य से उसी कल की सेना उन्हें रोकने के लिए हमला बोलते हैं और इस भगदड़ में मौका देकर लंबे संघर्ष के बाद नाजी के आधे से ज्यादा सेना को ढेर करके जोन्स अपने पिता और मार्कस को रेस्क्यू कर लेता है। चारों वॉल्टर के बाकी बचे हुए सेना का पीछा करते हुए चट्टान में कार्व टेम्पल ढूंढ निकालते हैं जिसके भीतर द पाथ ऑफ होली ग्रेल छिपा है। पर वो पाथ डेडली ट्रैप से बिछा होता है, इसलिए वॉल्टर के कई लोग कदम रखते ही शहीद हो जाते हैं। पर फिर वॉल्टर चारों को बंदूक के नोक पर धरकर निर्दय हेनरी को शूट करके जोन्स को होली ग्रेल के डेडली ट्रैप्स को कैसे पार करते का सीक्रेट बताने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि अब होली ग्रेल का पानी ही एकमात्र रास्ता है उनके पिता को बचाने के लिए। इसलिए सुपरनैचुरली पोजेस्ड टनल्स के थ्रू अपने कदम फूक फूक कर आगे बढ़ाते हैं। भाग्य से सही समय पर जोन्स पहले पहेली को गुत्थी को सुलझाते ही झुकते हुए पहला पड़ाव पार कर लेते हैं। दूसरे पहेली में उन्हें थोड़ी मुश्किल होती है, पर ऐन मौके पर उन्हें चमकता है कि लैटिन में भगवान का नाम आय से शुरू होता है ना कि जे से, इसलिए सही ब्लॉक्स पर कदम रखते हुए वो एक और पड़ाव को पार कर लेते हैं। पर तीसरे पहेली के अनुसार वो ही चेंबर ऑफ होली ग्रेल तक पहुंच सकता है जो सच्चे दिल से उस पर विश्वास करता है, इसलिए भगवान का नाम लेकर जोन्स अपना कदम बढ़ाते हैं और भाग्य से उनकी आस्था सच्ची साबित होती है और इवेंचुअली वो होली ग्रेल चेंबर खोज निकालते हैं, जहां उन्हें लास्ट ऑफ द थ्री नाइट्स में से एक नाइट जो 700 साल बाद भी अब भी जिंदा मिलता है, जिसने होली ग्रेल को ढूंढने और उसकी रक्षा करने की कसम खाई थी, इसलिए अब तक वो यहीं बने रहे हैं। पर तब तक वॉल्टर और एल्सा भी आ जाते हैं और उन्हें कई कप्स में से असली को खोजना होगा जो उन्हें अमर जीवन प्रदान कर सकता है, वहीं फेक कप उनकी जान ले लेगा। वॉल्टर क्लूलेस की कौन सा सही है, एल्सा उनके लिए जानबूझकर फेक कप चुनती है क्योंकि वो दिल की बुरी नहीं होती, वो सिर्फ होली ग्रेल का खोज करना चाहती थी और वॉल्टर का जोन्स के पिता को मारने के बाद उसने उनसे बगावत करने का तय किया, इसलिए वॉल्टर के फेक कप से पानी पीते ही वो एकदम बूढ़े होने लगते हैं और अंत में मिट्टी में बदल जाते हैं। पर जोन्स एल्सा की मदद से असली होली ग्रेल को ढूंढ निकालता है क्योंकि असली होली ग्रेल फैंसी सोने से बना नहीं हो सकता, उसमें सुतार की कारीगरी साफ झलकेगी और वो ऐसे ही एग्जैक्ट कप ढूंढ निकालते हैं। जोन्स अपने पिता को उस कप से पानी पिलाने से पहले खुद पर आजमाता है जो भाग्य से सही निकलता है, पर नाइट उसे चेतावनी देता है कि होली ग्रेल की शक्ति सिर्फ इस चेंबर तक सीमित है, इसका मतलब कि जब तक आप इस चेंबर में बने रहोगे तब तक आप अमर रहोगे, वहीं यदि होली ग्रेल को गुफा से बाहर ले जाने की कोशिश की तो फिर अनर्थ हो जाएगा। अब जोन्स के अपने पिता को होली ग्रेल का पानी पिलाने पर उनका घाव एकदम से गायब हो जाता है।
पर लालची एल्सा होली ग्रेल को बाहर ले जाने की कोशिश में आप पैरों के नीचे से जमीन फटने लगती है, जिसमें एल्सा अंत में गिरकर मारी जाती है। जोन्स का भी लगभग वही असर होता है यदि उसके पिता ने सही समय पर बचा नहीं लिया होता। पर होली ग्रेल धरती के पाताल में समा जाती है। डेथ टेम्पल में नाइट वहीं अपनी आखिरी सांस लेने का तय करता है और बाकी सभी सही सलामत बच निकल आते हैं। और फिर मूवी तीनों के हंसते खेलते एक सफल रोमांच की खुशी के साथ खत्म हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।